and its types and effects on life. What is bioremediation? What do you think about bioremediation? Do you have any idea about bioremediation? Basically, bioremediation is a type of remediation in which you control the pollution by using bio microorganisms or some plants or any other thing. तो इस तरह के जब भी आप लाइफ के थ्रू पोल्यूशन को कम करना चाहते हो या उसको न्यूट्रेंट्स को रिप्लेनिश करना चाहते हो सॉइल में, तो इस तरह की जो टर्म, इस तरह की जितनी भी चीज़ें की जाती हैं वो सारी की सारी किस्में आती हैं बायो रेमिडिएशन की टर्म में आती हैं. द यूज़ ऑफ आइदर नेचुरली अक्रिंग और डेलिब्रेटली इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंज्यूम एंड ब्रेक डाउन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इन ऑर्डर टू क्लीन अ पोल्यूटेड साइट इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बायो रेमिडिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज माइक्रोबियल बायो रेमिडिएशन, देन फाइटो रेमिडिएशन. तो माइक्रोबियल बायो रेमिडिएशन क्या होती है कि जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट में जितने भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं स्पेसिफिकली उन पोल्यूटेंट्स को टारगेट करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी सॉइल, हमारी अर्थ, हमारी एटमोसफेयर वो क्लीन हो जाए, बेटर हो जाए, हमारे लिए वो माहौल जो है साजगार हो जाए. इट इज़ अ प्रोसेस विच यूजेज नेचुरली अक्रिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इन्हांस नॉर्मल बायोलॉजिकल ब्रेक डाउन. एंड ओवरव्यू, इसका जो ओवरव्यू हम अगर देखें तो हमारे पास तीन चार टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं बायो रेमिडिएशन के हवाले से. नंबर वन इज़ बायो स्टिमुलेशन, नंबर सेकेंड इज़ बायो ऑगमेंटेशन एंड द थर्ड वन इज़ फाइटो रेमिडिएशन. अभी हम इनको देखते हैं कि ये है क्या. ओके, नाउ एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स. तो एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स तो हमें सबसे पहले देखने चाहिए कि हमारे एनवायरमेंट में कंटेमिनेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है. सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं पोल्यूटेंट्स. कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स इन द एनवायरमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अननेचुरली हाई कॉन्सेंट्रेशंस. एग्जाम्पल्स क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, फॉस्फेट्स, हैवी मेटल्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं बट किसी जगह पर वो नेचुरल कंसेंट्रेशन से ज़्यादा कंसेंट्रेशन में अगर पाई जाती हैं तो डैट इज़ इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट, डैट इज़ पोल्यूटेंट फॉर अस. जैसे कि ऑयल स्पिलेज हो जाती है समंदरों में जब तेल को, क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है तो वहाँ पे वो नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता. तो अगर ऑयल स्पिलेज हो गई तो वो फिर एक इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट बन जाता है, हमारे लिए कंटामिनेंट है जिसको हमें किसी ना किसी तरीके से इरेज करना होता है. जैसे कि अभी 2020 में शायद मई जून जुलाई में एक शिप जो है कार्गो शिप जो है क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो हुआ है स्पिलेज हो गई है उसकी और मेरा ख्याल है मलेशिया के सी की तरफ को वहाँ पर हुआ है ये और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो वहाँ पर स्पिल हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके वहाँ पर इस्तेमाल करते हुए उस क्रूड ऑयल को अब वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समंदर में जो क्रूड ऑयल आ गया है, गिर गया है तो वो आपको पता है ऑयल की डेंसिटी हमेशा कम होती है पानी से, तो वो हमेशा ऊपर रहता है, तो वो ऊपर रहता है जिसकी वजह से नीचे वाली लाइफ जो है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है. तो वो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक हेल्थ कंसर्न भी बना हुआ है और एक एनवायरमेंटल इशू भी बना हुआ है. नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स कौन से हैं? जीनोबायोटिक्स. जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं डैट हैव नेवर अकर्ड इन नेचर, जो कि हमारी नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते. इनको मैन मेड होते हैं, केमिकली हमने सिंथेसाइज किया हुआ होता है और जब वो एक लेवल से ज़्यादा हमारी एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हैं? एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, हर्बिसाइड्स आ जाते हैं, प्लास्टिक्स हैं. अभी आपको पता है जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है, इस पर रोकथाम लगाने की कोशिश करिए, चेक एंड बैलेंस करिए ताकि इसकी यूज़ को जब मैक्सिमम हद तक कर्ब किया जा सके. नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन में क्या आते हैं? इंडस्ट्रियल स्पिल्स एंड लीक्स. इंडस्ट्रियल से जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो स्पिल्स हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो वो हमारे पास इसके कंटामिनेशन के सोर्सेज आते हैं. नेक्स्ट सरफेस इंपाउंडमेंट्स आते हैं कि सरफेस पे जब कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक पड़ी रह जाती है, कोई भी कंटामिनेंट, तो सरफेस इंपाउंडमेंट्स हैं. हमारे पास स्टोरेज टैंक्स एंड पाइप्स हैं
लैंडफिल्स एंड डंप्स हैं, इंजेक्शन वेल्स हैं द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एयर पोल्यूशन है, आर फ्रॉम पेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बेकरीज, प्रिंटर्स, ड्राई क्लीनर्स, ऑटो बॉडी शॉप्स. तो ये सारी जो सोर्सेज हैं ये कंटेमिनेशन कॉज कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करने में बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज इन यूज टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. अभी आजकल कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं रिसेंट जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि एनवायरमेंट की हालत को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके. तो उसमें हमारे पास क्या है, सॉइल वेपर एक्सट्रक्शन है, एयर एंड हाइड्रोजन स्पार्जिंग है, सॉइल वॉशिंग इन सिचू ऑफ सॉइल फ्लशिंग है, केमिकल ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, सॉइल एक्सकवेशन है, पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, डिसॉर्प्शन है, इलेक्ट्रोकाइनेटिकल ट्रीटमेंट्स हैं, बायो रेमिडिएशन है, जिसमें अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो रेमिडिएशन. तो व्हाट इज बायो रेमिडिएशन? द यूज ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड डिफरेंट प्लांट्स एंड प्लांट्स टू ब्रेक डाउन और डिग्रेड टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव एक्यूमुलेटेड इन द एनवायरमेंट इनटू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो इन अदर मींस वी यूज माइक्रोब्स और प्लांट्स और बैक्टीरिया और फंजाई टू कर्ब टू चेक द डिफरेंट कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम उनको डिग्रेड कर रहे हैं, हम उनको कर्ब कर रहे हैं थ्रू माइक्रोब्स, प्लांट्स और फंजाई वगैरह के थ्रू. टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और बायोरेमिडिएशन, एक्सिचुअ बायोरेमिडिएशन एंड इनसिचुअ बायोरेमिडिएशन. देयर आर टू टेक्निक्स हैं जो कि बायोरेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, टाइप्स नहीं, यहाँ पे टेक्निक्स हैं. एक एक्सिचुअ बायोरेमिडिएशन और एक इनसिचुअ बायोरेमिडिएशन. एक्सिचुअ और इनसिचुअ में फ़र्क क्या होता है? इनसिचुअ का मतलब है कि जहाँ पर आपके कंटामिनेंट्स जो हैं वो हैं उनको उसी साइट पे ट्रीट किया जा रहा है, जबकि एक्सिचुअ में क्या होता है कि जहाँ पे आपके कंटामिनेंट्स हैं उनको वहाँ पे ट्रीट नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको पहले वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ऑफ द साइट पे ट्रीट किया जाता है. नेचुरल अटेन्युएशन, नेचुरल अटेन्युएशन क्या है? स्लो प्रोसेस, नॉट कम्प्लीट इनफ, नॉट फ्रिक्वेंटली अकरिंग इनफ टू बी ब्रॉडली यूज फॉर सम कंपाउंड, स्पेशली वेरी डिफिकल्ट और रिलक्टरेंट सब्सटांसेस. तो नेचुरल अटेन्युएशन क्या है कि नेचुरल अटेन्युएशन हम कर सकते हैं जो कि खुद ही आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम कहते हैं कि डिकम्पोज होती रहती हैं चीज़ें, तो वो ये स्लो प्रोसेस है एक, और ये मोस्टली कंप्लीट नहीं हो पाता, बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ वहाँ पे अभी भी कंटामिनेंट्स बच जाते हैं. इतना इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ भी नहीं किया जाता, और ख़ासतौर पर नेचुरल अटेन्युएशन के थ्रू जितने हमारे रिकल्सिट्रेंट वाले सब्सटेंसेस हैं जिनमें कैल्शियम के कंपाउंड ज़्यादा प्रेजेंट हैं और जो बहुत ही रिलक्टेंट हैं कि वो इजीली नेचुरल अटेन्युएशन से ट्रीट नहीं हो सकते, तो उन वाले केमिकल्स और कंटेमिनेंट्स पे नेचुरल अटेन्युएशन जो है वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती. उसके बाद हमारे पास इन्हांस्ड बायोरेमिडिएशन और बायोस्टिमुलेशन. बायोस्टिमुलेशन या इन्हांस्ड बायोरेमिडिएशन क्या है कि ये भी एक टेक्निक है टू स्टिमुलेट इन्हांस अ साइट्स इंडिजिनस सब सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सच एज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन वगैरह. इस पर क्या किया जाता है कि इस पर आप बायोस्टिमुलेशन कर देते हो कि जो नेचुरली वहाँ पर उस सॉइल में या उस एनवायरमेंट में जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं आप उनको उसी साइट पर इंडिजिनस तरीकों के थ्रू आप उनको थोड़ा सा क्या करते हो, उनको स्टिमुलेट करा देते हो, उनको उनके इफेक्ट को थोड़ा सा इन्हांस करा देते हो वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है. आप कैसे उनको इन्हांस कराते हो? आप थ्रू डिफरेंट मिनरल्स ऐड करके, जिन मिनरल से उन बैक्टीरिया की ग्रोथ और उन बैक्टीरिया की एक्टिविटी इन्हांस होती है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो वो वाले मिनरल्स और वो वाली चीज़ें आप सब्सटेंसेस जो है वो सॉइल में उस एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो है वो हमारे जो कंटामिनेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ बायो ऑगमेंटेशन. बायो ऑगमेंटेशन क्या है? ये भी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, व्हेन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट, जहाँ पर नेचुरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं हो रही, तो इनको क्या फिर वहाँ पे ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, कमर्शियली प्रिपेयर किए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया के स्टेन्स जो कि स्पेसिफिक
खोते हैं फॉर दैट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, फॉर दैट टाइप ऑफ कंटामिनेंट, फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटामिनेंट के लिए वो बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है स्पेसिफिक होते हैं. तो जैसे कि हमारे पास अभी आजकल नोवोजाइम्स बायोलॉजिकल्स हैं, कंपनी है जो कि लीड कर रही है इसमें, और बहुत सारे बैक्टीरियाज और इस तरह के स्ट्रेन जो है वो डेवलप कर रही है जो कि बायो रेमिडिएशन कराते हैं. पर इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, बायो ऑगमेंटेशन, जिसमें हम कमर्शियल लेवल पे इन चीज़ों को खुद से सिंथेसाइज कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज फाइटो रेमिडिएशन. फाइटो रेमिडिएशन क्या है, एक्सट्रक्शन ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट्स बाय रूट्स एंड एक्यूमुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन बाय प्लांट्स, एग्जांपल हाइपर एक्यूमुलेटर्स. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉइल में जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी एक्सट्रक्शन करा देते हैं, उनको वहाँ से ख़त्म करते हैं बाय रूट्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के रूट्स के ज़रिए वो वाले कंटामिनेंट्स जो हैं वो प्लांट उसको उनको अब्जॉर्ब कर लेता है और उनको फिर ट्रांसफॉर्म करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देता है प्लांट अपने अंदर. तो इस टाइप की जो बायो रेमिडिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, फाइटो रेमिडिएशन. ऑल टाइप्स में हो क्या रहा है हमारे पास, कि चाहे वो नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वो थोड़ा सुस्त तरीका है पर फिर भी थोड़ा बहुत काबिल अमल है. दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि बायो स्टिमुलेशन है, बायो रेमिडिएशन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया की जो इननेट कैपेबिलिटी है टू डिग्रेड डिफरेंट पोल्यूटेंट्स उसको हम इन्हांस कर देते हैं. बायो ऑगमेंटेशन में हम कमर्शियली बैक्टीरियल स्ट्रेन्स इस तरह के प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर सकें, पोल्यूटेंट्स को टारगेट कर सकें, कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सकें. और फिर हमारे पास फाइटो रेमिडिएशन आती है. फाइटो रेमिडिएशन में हम प्लांट्स के थ्रू क्या करते हैं, बायो रेमिडिएशन करा रहे हैं, पोल्यूटेंट्स को डिप्लीट करा रहे हैं. तो ये बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन है. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ट्री है, ट्री की रूट्स हैं और वो रूट्स क्या कर रही हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं और फिर अपने जब स्टेम लीव्स में जहाँ पे भी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उनको वो स्पेसिफिक दूसरी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जो कि कंटामिनेंट नहीं होती, बुरी नहीं होती, उनको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमिडिएशन ओवर अदर टेक्नोलॉजीज. एडवांटेजेस क्या हैं बायो रेमिडिएशन के दूसरी टेक्नोलॉजीज पे? एक्सक्यूज मी मैम, जी रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट कर लें लड़की की. ओके मैं अभी देखती हूँ. ओके नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमिडिएशन ओवर अदर टेक्नोलॉजीज. दूसरी टेक्नोलॉजीज पे बायो रेमिडिएशन के क्या एडवांटेजेस हैं, बायो रेमिडिएशन क्यों बेहतर है बाकी दूसरी टेक्नोलॉजी से. जैसे दूसरी टेक्नोलॉजीज भी हैं जैसे वाटर को ट्रीट किया जा रहा है आजकल डिफरेंट तरीकों से, तो या फिर और बाकी दूसरी चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी इंडस्ट्री में. पर बायो रेमिडिएशन को हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं. नंबर वन इज परमानेंस. परमानेंस मतलब कि कंटामिनेंट जो है वो इसमें डिग्रेड हो जाता है और बहुत नेचुरल तरीकों से हो रहा है. नेचुरल तरीकों से कैसे, एक वही यूज़फुल बैक्टीरिया आपके सॉइल में जो प्रेजेंट हैं आप उन्हीं को ही थोड़ा सा एक्टिवेट करा रहे हो, उन्हीं को ही थोड़ा सा स्टिमुलेट करा रहे हो. दूसरी तरफ अगर आप कमर्शियल भी बना भी रहे हो तो वो एक लाइफ है जो कि अल्टीमेटली किसी ना किसी चीज़ को डिकम्पोज कर रही होती है या वो अल्टीमेटली खुद भी डिकम्पोज हो जाएगी. तो वो प्लास्टिक के इस तरह के केमिकल्स नहीं है जो आपकी इन्वायरमेंट में बहुत देर जो है वो पाए रहेंगे. तो एक इनकी परमानेंस, दूसरा पोटेंशियली लो कॉस्ट. इस पर आपको कोई कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती. अगर आपने बायो स्टिमुलेशन भी करवानी है तो बायो स्टिमुलेशन के लिए भी आप क्या करोगे, आप फॉस्फोरस नाइट्रोजन और ये वाली चीज़ें आपने ऐड कर दी तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है. बैक्टीरिया ने अपना काम खुद ही करता रहना है, आपको कोई मेंटेनेंस की इवन ज़रूरत नहीं है. वरना अगर आप मशीनरी लगाते हो तो मशीनरी को मेंटेनेंस के लिए भी आपको प्रॉपर अमला चाहिए होता है, आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए भी. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. फिर लो मेंटेनेंस, वही पॉइंट दोबारा से आ गया. और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, कैपेबल ऑफ इम्पैक्टिंग सोर्स जोन्स एंड दस डिक्रीजिंग साइट क्लीन अप टाइम. इससे क्या है हमारे पास कि जो हमारी इससे जो इम्पैक्ट है सोर्सेस का वो बहुत ज़्यादा है और उससे आपकी साइट स्पेसिफिक जो है वो क्लीन अप हो रहा है और टाइम आपका कम लग रहा है. तो इससे ये सारे इसके फायदे हैं, परमानेंस, फिर पोटेंशियल लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस और कैपेबल ऑफ इम्पैक्टिंग सोर्स जोन्स एंड दस डिक्रीजिंग साइट क्लीन अप टाइम. नेक्स्ट, कंटामिनेंट्स पोटेंशियली अमेनेबल टू बायो रेमिडिएशन.
वो वाले कंटामिनेंट्स जो कि बायो रेमिडिएशन के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं वो कौन से हैं? नंबर वन, रेडीली डिग्रेडेबल, ऐसी चीज़ें जो जल्दी से डिग्रेड की जा सकती हैं, जैसे कि फ्यूल ऑयल्स हैं, गैसोलीन है। अगर हम इनको दूसरे केमिकल तरीकों से करना चाहें तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बायो रेमिडिएशन कराएँ तो वो अच्छे तरीके से और जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट, समवॉट डिग्रेडेबल, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कुछ थोड़ा बहुत डिग्रेडेबल होती हैं बायो रेमिडिएशन के थ्रू, जिसमें आ जाते हैं आपके कैरोसेट्स और कोल टार्स वगैरह, केरोसिन ऑयल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। फिर है आपके पास थर्ड, डिफ़िकल्ट टू डिग्रेड। जो डिफ़िकल्ट टू डिग्रेड चीज़ें हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बायो रेमिडिएशन के थ्रू हम उनको रिमूव कर सकते हैं, और उसमें क्या है, हमारे पास क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स हैं। और फिर हमारे पास फोर्थ है, जनरली रिलक्टेंट रिकैल्सिट्रेंट। जनरली जो रिकैल्सिट्रेंट होते हैं वो ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम हमारे पास, उनके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जैसे पॉलीक्लोरीनेटेड बायोफेनॉल्स हैं, उनके अंदर कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं जनरली रिलक्टेंट होते हैं। ये बायो रेमिडिएशन के थ्रू इतनी आसानी से ट्रीट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बायोडिग्रेडेशन रिएक्शंस। फंडामेंटल्स बायोडिग्रेडेशन रिएक्शंस के क्या हैं? नंबर वन, एरोबिक बायोरेमिडिएशन, एनएरोबिक बायोरेमिडिएशन, कॉमेटाबॉलिक बायोरेमिडिएशन। एरोबिक बायोरेमिडिएशन क्या है कि जिसमें माइक्रोब्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए अपनी मेटाबॉलिज्म करते हैं और कंटामिनेंट को डिग्रेड कर देते हैं। अभी ये अभी समझें कि ये वो टाइप है कि माइक्रोब जो है वो किस तरह से उन कंटामिनेंट्स को ख़त्म करता है। तो वो बेसिकली वो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि उन कंटामिनेंट्स को अपने फूड के सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें हमारी बचत हो जाती है, वो माइक्रोब्स भी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और हमें भी कोई मेंटेनेंस और वो इस तरह के कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो माइक्रोब्स क्या के टाइप्स आ जाती हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है कि बायो रेमिडिएशन में बैक्टीरिया हैं, एरोबिक होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। तो एरोबिक वाली बायो रेमिडिएशन वो है जिसमें माइक्रोब्स जो हैं वो सिंपली ऑक्सीजन यूज़ करते हुए मेटाबॉलिज्म करेंगे और जो कंटामिनेंट प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनएरोबिक बायोरेमिडिएशन। एनएरोबिक बायोरेमिडिएशन में हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन तो इस्तेमाल नहीं करते, पर ऑक्सीजन की जगह पे वो कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ एज अ सोर्स, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, आयरन हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरेनियम, टक्टेनियम, परक्लोरेट, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो इनको डिग्रेड भी कर सकते हैं और इनको एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज कॉमेटाबॉलिक बायोरेमिडिएशन। कॉमेटाबॉलिक बायोरेमिडिएशन क्या है कि कॉमेटाबॉलिक बायोरेमिडिएशन में माइक्रोब जो है वो डू नॉट गेन एनर्जी और कार्बन फ्रॉम डिग्रेडिंग अ कंटामिनेंट, इंस्टेड द कंटामिनेंट इज डिग्रेडेड बाय अ साइड रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जैसे एरोबिक और एनएरोबिक में डायरेक्टली एक चीज़ को ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा रहा था और जो भी आपका कंटामिनेंट है उसको मेटाबोलाइज कर दिया जाता था, उसको डिग्रेड कर दिया जाता था। एनएरोबिक में भी ऐसे ही था कि ऑक्सीजन तो नहीं कंज्यूम की जा रही थी, पर उसकी जगह पे दूसरे नाइट्रेट, आयरन, सल्फर वगैरह इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम किया जा रहा था एज अ फूड सोर्स, और जब उनका मेटाबोलिज्म होता था तो कंटामिनेंट जो है वो एज इट इज़ साथ में क्या हो जाता था, ऑक्सीडाइज़ या रिड्यूस हो जाता था। जब कॉमेटाबॉलिक बायोरेमिडिएशन की बात आती है तो कॉमेटाबॉलिक बायोरेमिडिएशन क्या है कि बेसिकली ऐसी बायोरेमिडिएशन है जिसमें डायरेक्टली कंटामिनेंट जो है वो डिग्रेड नहीं हो रहा, बल्कि इनडायरेक्टली माइक्रोऑर्गेनिज्म के किसी रिएक्शन के दौरान, माइक्रोऑर्गेनिज्म जब अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो उसमें उसके दौरान कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है जो कि इनडायरेक्टली आपके कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर रहा है, पर डायरेक्टली वो कंटामिनेंट्स को डिग्रेड नहीं कर रहा होता। हाउ माइक्रोब्स यूज़ द कंटामिनेंट। माइक्रोब्स जो है कंटामिनेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं? कंटामिनेंट्स में सर्व एज नंबर वन प्राइमरी सब्सट्रेट, इनफ अवेलेबल टू बी द सोल एनर्जी सोर्स, यानी कि वो कम्प्लीटली सिर्फ उसी कंटामिनेंट पे ही बेस कर रहे होते हैं और उसी से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं फूड के तौर पर, उसको यूज़ करते हैं। फिर सेकेंडरी सब्सट्रेट, कंटामिनेंट को सेकेंडरी सब्सट्रेट के तौर पे भी वो यूज़ करते हैं जिससे उनको कंटामिनेंट से एनर्जी भी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में नहीं होती क्योंकि वो उसका सेकेंडरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सब्सट्रेट होता है वो कंटामिनेंट। फिर है कॉमेटाबॉलिक सब्सट्रेट जिसमें उसने करना तो कुछ और होता है, किसी और चीज़ को कंज्यूम कर रहा होता है पर साथ साथ उसके अंदर वो भी चला जाता है। तो फोर्टुइटस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड बाय अ माइक्रोब रिलाइंग ऑन सम अदर प्राइमरी सब्सट्रेट। इसमें क्या है, फॉर्चुनेटली यानी कि खुशकिस्मती से ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें बेसिकली माइक्रोब तो किसी और चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है पर वो प्राइमरी सब्सट्रेट के साथ या सेकेंडरी सब्सट्रेट के साथ वो वाला कंटामिनेंट भी अंदर जाता है उसके, और वो इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है।
नेक्स्ट इज फाइटोरेमेडिएशन. मोर देन 350 प्लांट स्पीशीज नेचुरली टेक अप टॉक्सिक मटीरियल्स. नेचुरली 350 स्पीशीज ऐसी हैं प्लांट्स की जो कि डिफरेंट कंटेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उनको डिग्रेड कर देती हैं या उनको किसी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देती हैं. जिसमें एग्जाम्पल है, सबसे पहले आती है सनफ्लावर्स की. सनफ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं, यूज टू रिमूव रेडियो एक्टिव सीजियम एंड स्ट्रॉन्शियम फ्रॉम चेर्नोबाइल साइट एंड वाटर. हायसिंथ्स यूज टू रिमूव आर्सेनिक फ्रॉम वाटर सप्लाईज इन बांग्लादेश इंडिया. तो सनफ्लावर्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सनफ्लावर्स को जो भी चेर्नोबाइल साइट्स हैं, चेर्नोबाइल साइट्स वो होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें सीजियम आ गया, स्ट्रॉन्शियम आ गया, इस तरह के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. तो सनफ्लावर को ऐसी जगहों पे अगर ग्रो किया जाए तो वो बहुत सारा रेडियो एक्टिव जितने भी इस तरह की एलिमेंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास है एक और पौधा, एक और प्लांट जो क्या है, वाटर हायसिंथ्स. ये क्या करती हैं, ये वाटर के अंदर, वाटर सप्लाईज के अंदर जितने भी आर्सेनिक के कॉन्टेंट्स हैं, आर्सेनिक क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. और इस टेक्नोलॉजी को, सॉरी, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है कहाँ पे, बांग्लादेश और इंडिया में, कि जहाँ पे वो आर्सेनिक को वाटर बॉडीज़ में से, वाटर सप्लाईज में से रिमूव कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एक फाइटो रेमिडिएशन का एक साइकिल बना हुआ है कि ये रूट्स हैं, रूट्स क्या कर रही हैं, फाइटो स्टिमुलेशन भी यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो भी ऑटोमेटिकली हुई हुई है. यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, एब्जॉर्ब होके आप देख रहे हैं कि लीव्स के अंदर भी जा रहे हैं, लीव्स के अंदर जाके वो उनको जो है वो ब्रेक भी कर रहे हैं, उनको दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, और कुछ को अपनी इससे अपने लीव्स के थ्रू रेस्पायर भी कर रहे हैं. तो इस तरह एक पूरा जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों जगहों पे इस्तेमाल हो जाते हैं और वो टोटली डिग्रेड हो जाते हैं और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो जाता है. एडवांटेजेस पे आ जाए. नंबर वन, इन प्रिंसिपल प्लांट्स दैट इंगेज इन फाइटोरेमेडिएशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स कुड बी हार्वेस्टेड दस रिमूविंग दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द पोल्यूटर साइड. तो हम प्लांट्स को फाइटोरेमेडिएशन को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है हमारे पास, क्योंकि प्लांट जो हैं वो एज इट इज़ ही हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं. तो हम अगर हम उनको ग्रो करते हैं तो वो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी जो हमारी अर्थ में या हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इवन इन्वायरमेंट में भी, उनको भी अब्जॉर्ब कर देते हैं. तो ये हमारे लिए पोल्यूटेड साइड पर इनको उगाना, इनको लगाना बहुत ज़्यादा कारामद, बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस साबित होता है. सेकेंड नंबर पे, द कॉस्ट ऑफ द फाइटो रेमिडिएशन इज लोअर देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल प्रोसेसेस बोथ इन सिचुओ एंड एक्स सिचुओ, द प्लांट्स कैन बी इजिली मॉनिटर्ड. दूसरा क्या है कि प्लांट जो है वो उनको इजीली मॉनिटर किया जा सकता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ को आप इजीली देख सकते हो कि प्लांट तो बड़ा होता जाएगा, जबकि माइक्रोब्स वगैरह या दूसरे जो टेक्निक्स हैं उनमें आपको आपकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है. और अगर आप माइक्रोब्स की बात करो तो माइक्रोब्स में आपको उनको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक वहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और फिर ही आप माइक्रोब्स को जो है वो विजुअलाइज़ कर सकोगे. तो फाइटोरेमेडिएशन जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसको मॉनिटर करना भी आसान है. नंबर थर्ड पे, द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकवरी एंड रीयूज ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स बाय कंपनीज स्पेशलाइजिंग इन फाइटो माइनिंग. और फिर इसके बाद हमारे पास फाइटोरेमेडिएशन से एक ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि हम उन प्लांट्स में जो एलिमेंट डिपॉजिट हो चुके हैं, अगर डिपॉजिट हो चुके हैं तो हम उन मेटल्स को यूज़ भी कर सकते हैं, हम उन प्लांट्स से मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उन वहाँ से ले सकते हैं, जिसको फाइटोमाइनिंग भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज इस टेक्निक पे काम कर रही हैं कि उन प्लांट्स में जो मेटल्स के अगर डिपॉजिट्स आ गए हैं तो बजाय कि हम सॉइल को करें तो हम उन प्लांट्स को उगा के इजीली सॉइल से वो सारे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और प्लांट तो चूंकि थोड़ा होगा तो हम उससे वहाँ से आराम से अपनी मेटल जो है वो हासिल कर सकेंगे. और फोर्थ नंबर पे क्या, इट इज़ पोटेंशियली द लीस्ट हार्मफुल मेथड बिकॉज इट यूजेस नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिजर्व्स द एनवायरनमेंट इन अ मोर नेचुरल स्टेट. इसके बाद ये क्या है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा अच्छा है और लीस्ट हार्मफुल है. क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए पौधे वैसे भी अच्छे होते हैं और ये नेचुरल स्टेट में ग्रो कर जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छी चीज़ है. ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नेचुरली स्टेट में समटाइम्स ग्रो नहीं करते, किसी को सलीन कंडीशंस चाहिए होती हैं, किसी को एसिडिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, किसी माइक्रोब को बेसिक कंडीशंस चाहिए होती हैं. तो समहाउ प्लांट्स उससे भी ऊपर एडवांटेज में चले जाते हैं हमारे लिए. फिफ्थ नंबर पे क्या है, इट प्रिजर्व्स द टॉप सॉइल मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज सॉइल हेल्थ यील्ड एंड प्लांट फाइटोकेमिकल्स. फिफ्थ नंबर पे क्या है कि ये जो हमारी सॉइल है, सॉइल की कंडीशन को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, बहुत ज़्यादा
अच्छा रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं कि सॉइल जो है वो ख़राब ना हो जाए, टॉप सॉइल को पकड़ के रखते हैं कि सैलाब वगैरह या खुदा ना खास्ता किसी इस तरह के डिज़ास्टर की सूरत में सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और सॉइल जो है वो बह ना जाए। फिर इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज़ करते हैं, सॉइल हेल्थ को इंक्रीज़ करते हैं, यील्ड और प्लांट के जितने फाइटोकेमिकल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। सिक्स नंबर पर क्या है, द यूज़ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो रिड्यूसेस एरोसिन सॉरी एरोजन एंड मेटल लीचिंग इन द सॉइल। और इसके अलावा क्या करते हैं, प्लांट्स के सॉइल इरोजन से बचाते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर सैलाब वगैरह खुदा ना खासा आ जाए तो लीचिंग आउट होने से एलिमेंट्स को बचाते हैं, और दूसरा ज़मीनी कटाव जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं उससे भी बचाते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स में क्या ड्रॉबैक्स हैं फाइटो रेमिडिएशन के, फाइटो रेमिडिएशन सिंपली रीलोकेट्स टॉक्सिक हैवी मेटल्स, इट डज नॉट रिमूव देम फ्रॉम द लोकेल। तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि फाइटो रेमिडिएशन के थ्रू इन प्लांट्स के थ्रू क्या होता है कि जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसा करते हैं कि वो टॉक्सिक एलिमेंट्स को, टॉक्सिक मेटल्स को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे डाल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के सॉइल से उन्होंने अब्जॉर्ब किए हैं टॉक्सिक एलिमेंट, तो वो उसको एयर में समहाउ किसी न किसी तरीके से शामिल कर रहे हैं। तो वो जब रेस्पायर करते हैं या जब ग्लूटिनेशन होती है तो इन चीज़ों के वक्त, इन कामों के वक्त जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो मूवमेंट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा ड्रॉबैक है। फिर दूसरा हमारे पास क्या ड्रॉबैक है इसका कि फॉर हैवी मेटल्स फाइटो रेमिडिएशन सिंपली रीलोकेट्स द टॉक्सिक एलिमेंट, इट इज़ नॉट रिमूव देम। फाइटो रेमिडिएशन इज लिमिटेड टू द सर्फेस एरिया एंड डेप्थ ऑक्यूपाइड बाई द रूट्स। फाइटो रेमिडिएशन सिर्फ उसी एरिया तक ही लिमिटेड रहेगी जिस एरिया पर ट्री उगा हुआ है, जिस एरिया पर वो प्लांट उगा हुआ है और जहाँ तक उसकी रूट्स जा रही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एरिए को कवर नहीं करता अनलेस कि आपने बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो ना किए करवाए हों। फोर्थ नंबर पे स्लो ग्रोथ है। आपको पता है जैसे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ है, 20 मिनट्स में 30 मिनट्स में बैक्टीरिया एक से दो, दो से चार, चार से आठ हो जाते हैं, पर प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से नहीं होते। प्लांट्स को ग्रो करने में एक साल, डेढ़ साल, दो साल लग जाते हैं जब तक वो अच्छी तरह से एक अडल्ट होता है और अपने सारे जो प्रोसेस को अच्छी तरह से स्टार्ट करना शुरू करता है। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या है, विद प्लांट बेस्ड सिस्टम्स ऑफ रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ कंटामिनेंट्स इनटू द ग्राउंड वाटर। इसके अलावा क्या है कि प्लांट्स का ये फ़ायदा ज़रूर है कि वो लीचिंग आउट से बचाते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लीचिंग हो जाती है। पर फिर भी इन सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद भी मैं अगर कहूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी, तो मैं आई विल रिकमेंड द फाइटो रेमिडिएशन। सिक्स नंबर पे क्या है, द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स इज अफेक्टेड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ द कंटामिनेटेड लैंड एंड द जनरल कंडीशन ऑफ द सॉइल। सेवन नंबर पे क्या है, बायो एक्युमुलेशन ऑफ कंटामिनेंट्स स्पेशली मेटल्स इनटू द प्लांट्स विच देन पास इनटू द फूड चेन फ्रॉम प्राइमरली लेवल कंज्यूमर्स अपवर्ड्स और रिक्वायर्स द सेफ डिस्पोजल ऑफ द अफेक्टेड प्लांट्स मटीरियल। इसके अलावा वही जो फाइटो माइनिंग वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे कुछ कंपनीज, उसी तरह है कि बायोक्यूमुलेशन हो जाती है कुछ प्लांट्स के अंदर टॉक्सिक मेटल्स की या हैवी मेटल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उन प्लांट्स को किसी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर ने जैसे कि डियर, काओ, कैटल, शीप्स, इन्होंने अगर खा लिया तो फिर क्या होगा कि वो फूड चेन में, हमारी फूड चेन में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं काओ, कैटल और शीप्स वगैरह को हम भी खा रहे होते हैं, तो ये हमारी फूड चेन में शामिल हो जाएंगी, जो कि हमारे लिए खतरे वाली बात है। तो फिर एक चीज़ ये है इसके फाइटो रेमिडिएशन में कि हमें उन प्लांट्स को जिन्हें हम चेक करते रहें रेगुलर लेवल पे कि उनमें मेटल्स के डिपॉजिट्स कितने हो गए हैं, और वहाँ से जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको दूर रखा जाए और फिर उनको इफेक्टिव तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। एट नंबर पे क्या है, वेन टेकिंग अप हैवी मेटल समटाइम्स द मेटल इज बाउंड टू द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर विच मेक्स इट अनअवेलेबल फॉर द प्लांट टू एक्सट्रैक्ट। और फिर हैवी मेटल्स के केस में समटाइम्स ऐसे होता है कि हैवी मेटल्स जो हैं वो सॉइल के जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ समटाइम्स क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है, उनके साथ जुड़ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो उसको टेकअप नहीं कर सकता, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक हैवी, एक बल्की मॉलिक्यूल बन जाता है, एक बल्की चीज़ बन जाती है जो कि प्लांट फिर इजीली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको अपने अंदर ले नहीं सकता। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है जो कि सेवन्थ और एट नंबर वाला बहुत सीरियस ड्रॉबैक है फाइटो रेमिडिएशन का। इन चीज़ों पर थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा गौर करना पड़ता है। नेक्स्ट, दीज आर दी रेफरेंसेज फॉर दिस लेक्चर।